नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल किसान परिवार में। और आज हम आपको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं, यह जो गांव मसूरी है जो ममाना रोड पर पड़ता है। और हमारे यहां प्रदीप भैया हैं जो ट्रेंच की गन्ने की खेती करते हैं, और ये सबसे अच्छी खेती मानते हैं हम अपने यहां पर कि ये सबसे अच्छी खेती करते हैं ट्रेंच की। तो आज उन भैया से हम पूरी जानकारी लेंगे कि भैया ने इसमें क्या क्या लगाया है गन्ने में, कौन कौन सी इसमें कीटनाशक आते हैं, रोग आते हैं, उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ लगाई हैं। आप देख सकते हो इसमें गन्ने की हाइट कितनी हाइट है, गन्ने की हाइट आप देख सकते हैं। हमने भी जो है अपने एरिया में इतना बड़ा गन्ना आज तक नहीं देखा, आज पहली बार जो है इतना बड़ा गन्ना देखा है जो करीबन मार्च का लगा हुआ है। भैया से इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि भैया ने कब लगाया ये और इसमें क्या क्या चीज़ डाली हुई है इन्होंने, बुआई से जुताई तक जो है लगाने तक, और जो अब भी क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। जो भैया स्प्रे कर रहे थे गन्ने में, अभी आप छोटा ट्रैक्टर ले रखा है इन्होंने गन्ने में स्प्रे करने के लिए, उसके द्वारा स्प्रे करते हैं। तो हम जो है भैया से आपकी सबकी मुलाकात कराते हैं आज। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। तो आप जो है जो गन्ना लगाया हुआ है आपने ट्रेंच, ये इतना अच्छा गन्ना हो रहा है कि हमने आज तक जो है इतना अच्छा गन्ना नहीं देखा कि जो आपने जो है इसे, आप हमें बताओ कि इसका क्या राज है, किसमें आपने किस टाइम पे बोया है ये गन्ना? पिछले साल मैंने बोया था ट्रेंच पे 3 बीघे। अच्छा जी। और मेरी बुआ जी के बेटे हैं डॉक्टर संजय राठी। हाँ जी। और मोरना के पास गांव है उनका छरुली, तो वो बोते थे, वो मेरे से जिद करने लगे, तो पिछले साल मैंने बो दिया। अच्छा। तो मेरे पास इम्प्लीमेंट नहीं था पिछले साल, तो ऐसे ही हुआ। इस बार मैंने सारे इम्प्लीमेंट किया है और 70 बीघे ट्रेंच भी बोया गन्ना। अच्छा जी। तो इसमें मैंने शुरू में इसकी जुताई करके इसमें डाई और पोटास और 5 किलो का यूरिया, मतलब 10 किलो की डाई, 10 किलो का पोटास, 5 किलो का यूरिया डाल के पानी दे दिया। जी जी। फिर मैंने इसकी जुताई उताई करी 2-3, मैंने एक कीटनाशक का स्प्रे और एक फंगस साइड का स्प्रे कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने बोल दिया ढांचा बीच में, और फिर मैंने ढांचा बड़ा, जब इतना बड़ा हो गया तो पूरा ढांचा जोत के जी, फिर मैंने दोबारा से इसमें एक खुराक दी कि 10 किलो डाई, 10 किलो पोटास, 5 किलो यूरिया और फटेरा। अच्छा जी। डाल के मिट्टी चढ़ा दी। अच्छा, जो आप बीच में 2 स्प्रे होती है इसमें। अच्छा, बीच में जो आपने जैसे बता रहे हैं शुरू में, तो आपने किस टाइम पे लगाया था जी गन्ना? ये पिछले साल मैंने मार्च में लगाया था। अच्छा, मार्च में लगाया था ये यानी कि आलूओं के बाद पेड्डी है ये अब। इस बार ये पेड्डी जो मार्च में आपने इसकी कटिंग करी होगी, इसमें 30 मार्च तक मैंने इसकी कटिंग करके मुंडा फूंक के। अच्छा जी। 30 मार्च के बाद ये अब पेड्डी आपके साथ। अच्छा, आपके पेड्डी लगे। अच्छा, इसमें जो गन्ने में बात करते हैं किसान भाई हमारे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, तो आप हमें रोगों की जानकारी देंगे कि गन्ने में कौन कौन से रोग आते हैं? गन्ने में टॉप बोरर तो है जी, सब इस टाइम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जिसकी वजह से 38 में जो सबसे बड़ा रोग है वो है पोका बोरर का। अच्छा जी। और उसके लिए तो आपको स्प्रे करनी ही पड़ेगी। अच्छा, जो आप किस चीज की स्प्रे करते हैं जी पोका बोरर के लिए? ये धनुका कंपनी की आ रही है कोनिका। हाँ, एक स्प्रे उसकी की है। अच्छा। और एक स्प्रे करी है धनुका कंपनी की कोपरोक्सी क्लोराइड और बायोस्टेट की थायपोनेट मिथाइल। अच्छा, दोनों की आपने स्प्रे कर चुका अब तक? दो इसकी दो स्प्रे। कौन कौन से महीने में आपने लगभग इसकी स्प्रे करी है? एक तो की थी जी मई में। अच्छा, मई में। और एक अभी कुछ दिन पहले की है। जैसे हमने देखा आपने जो छोटा ट्रैक्टर भी ले रखा है कुबोटा, जो आपने वो टंकी बनवा रखी है उसके पीछे की, जो आपने कहाँ बनवाई है जी वो? ये जी मवाने में एक है। अच्छा जी। तो उन्होंने उन्हें बना, वो बड़ी टंकी बनाते, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे 200 लीटर की बना दो। अच्छा जी। तो 200 लीटर की बनवा के उसका एक फायदा की वो इसमें भी जाएगा। हाँ, वो इसमें भी अंदर जो 5 फीट पर गन्ना लगा हुआ, ये 3 बीघे गन्ना है, तो एक लोड खेत में पूरे में स्प्रे हो जाएगी। अच्छा, एक बार 15 मिनट लगनी नहीं है। अच्छा, 15 मिनट में जो है आप छोटा ट्रैक्टर के द्वारा इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। अच्छा, जो इसकी बंधाई की बात करते हैं, इसे बंधवाओगे जी या ऐसी? अच्छा, ऐसी रहेगी, मिट्टी चढ़ा के? मिट्टी चढ़ाएंगे इसमें एक बार और। अच्छा, एक बार और मिट्टी चढ़ी इसमें जो है, एक बार ही मिट्टी चढ़ी हुई है जी? क्योंकि पहले हमारे पास लेजर था, अब हमारे पास हैरो आ गई है। अच्छा, हैरो से अब भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो आपने हैरो बनवाई है, आप बता रहे थे कि आपने कहाँ बनवाई है जी हैरो? मित्तल वाले बना रहे हैं मेरठ में। अच्छा, मित्तल वालों के यहाँ हैरो बनवाई है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं जो इनका गन्ना कितना शानदार खड़ा हुआ है, अच्छा खड़ा हुआ है, काफी हाइट है गन्ने की। तो भैया खड़े होकर एक बार खड़े होकर और दिखा दे जिसमें अंदर को कितनी लगभग हाइट है। आप देख सकते हैं भैया की हाइट भी लगभग जो 6 फुट के बराबर है, और गन्ने की हाइट आप देख सकते हो लगभग जो है ऊपर तक नापे तो 20 फुट हो रही होगी ऊपर तक। तो अभी गन्ने की जो है लगभग 10-11 फुट तो है गन्ना। अगर 15-16 फीट भी गन्ना हो गया तो 120 के। हाँ, 120 क्विंटल के आसपास जो है आप इसे निकाल सकते हैं। पिछली बार भी इसमें अच्छा निकला होगा। अच्छा, पिछली बार क्या औसत आया जी अच्छा गन्ने का? पिछली बार तो जी 75 का औसत आया था, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, मतलब हाँ इम्प्लीमेंट की कमी है। हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं थे तो
इक्विपमेंट्स कहूंगा मैं, इक्विपमेंट्स नहीं थे तो ये गन्ना गिर गया था, बनवाना पड़ गया था, मिट्टी नहीं चढ़ा पाया था मैं, लागू नहीं हो पाया था। इस बार मैंने मिट्टी भी अच्छी चढ़ा रखी, एक बार और चढ़ा दूंगा। तो आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे कि भाई ट्रेंच का गन्ना लगाएं या वैसे लगाएं कि पहले थोड़ा ट्रेंच लगा के देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, सब जब जाके लगाएं? मैं तो ये कहूंगा पूर्णतः ट्रेंच लगाएं, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अच्छा जी। और बहुत आप जैसे यूट्यूबर बहुत भाई हैं जो आपकी बहुत मदद कर देंगे जी, और कुछ चाहिए तो मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जैसे भाई हैं जो दे देंगे आपको, और आप लगाओगे नहीं तो आपको आना पड़ेगा क्योंकि इसमें 1.5-2% रिकवरी ज्यादा है। तो मील आपसे अपने आप धीरे 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 अपने आप आ जाओगे। अच्छा, अपना आप जो मील अपना आप ही लगवाएगा, आप ही लगवा देगा मील, क्योंकि वो आप बेसिक कोटा बढ़ा देगा। जैसे इस बार मैंने ड्रिप पे लगाया 3 हेक्टेयर तो मेरा बेसिक कोटा 20% बढ़ा दिया उन्होंने। अच्छा, आपने जो है लगभग जो 70, क्योंकि इसमें मील को ही फायदा है ना, क्योंकि 2% 1.5-2% रिकवरी ज्यादा है तो मील को बहुत फायदा है इसमें। हाँ, सही सही, किसान को ही फायदा है इसमें, कुछ भी मिक्स क्रॉपिंग कर लो, कुछ भी बोलो। तो जैसे हमने सुना है कि आप जो है अभी जो नौकरी करते हो, लेकिन जो आप इस साल जो पिछले साल से खेती कर रहे हैं? देखो मेरे मतलब हाँ, मैं मेरी वाइफ भी नौकरी करती है दिल्ली में। अच्छा जी। और मेरा ये था कि मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ, इस बार लॉकडाउन की वजह से चलो भाई खेती करते हैं। अच्छा। 12 साल बाद स्टार्ट की मैंने खेती इस बार। तो भैया ने जो है 12 साल बाद स्टार्ट करी है, और जो है अपना एरिया में पूरे एरिया में जो सबसे अच्छा गन्ना इन्होंने जो उगा के दिखाया, मिल वाले भी जो इनकी तारीफ करते हैं जो मिल से आते हैं। तो हम सब किसान भाई से यही निवेदन करेंगे कि एक बार लगा कर देखें ट्रेंच वो गन्ना जरूर, तो इसमें जो फ़ायदा मिलेगा आपको जरूर से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके बताएं, और किसी को किसी भी तरह की ट्रेंच के बारे में जानकारी चाहिए तो वो कमेंट में करके बता सकते हैं, हम भैया को जो पूरी जानकारी देंगे आप सभी को। धन्यवाद।